ये आपकी साली है कि नहीं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? भैया के साली समस्तीपुर वाली मेरी गर्ल फ्रेंड मिल गई। अर्चना आई लव यू। तारू बाबा से ज्यादा यक लागे लहसी। मम्मी शादी कर दे मेरी, यार कुमार मर रहा हूँ मैं। क्या जो फटा हुआ है ना, मैं गरीब हूँ, इसके दिमाग 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 में हवा लग रही है। आप ऊपर से नीचे तक पूरा जहर हो। बोल रहे हैं ना, ये दूंगा हेलो गाइस, जय हिंद, नमस्कार। आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। यह वीडियो काफी कॉमेडी है गाइस, क्योंकि आप देख चुके हैं थंबनेल में, समझ गए होंगे कि किन का यह वीडियो बनने वाला है, क्योंकि यह बनने वाला है इंडियन का बेस्ट कॉमेडी जिनका नाम है गुड्डू भैया का बनने वाला, जो कि बिहार में रहने वाले हैं। बिहार के छोटे से गाँव के हैं गुड्डू भैया, और गुड्डू भैया का मैं आज पूरा मैं एंटरटेनमेंट आपको कराने वाला हूँ। तो गुड्डू भैया का देखते हैं, काफ़ी कॉमेडियन है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है इनका। जब भी मैं वीडियो देखता हूँ तो काफ़ी बड़ा फैन हूँ मैं गुड्डू भैया का। गुड्डू भैया अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको सलाम है, क्योंकि काफ़ी कॉमेडी बनाते हैं इनका। जब भी वीडियो देखो तो जिनका मूड सेट भी हो ना, हंसी आ जाएगा। इनका वीडियो में इतना दम रहता है। चलिए कि इनका वीडियो में दिखाता हूँ किस टाइप इन्होंने कहीं भी जाते हैं तो प्रपोज कर देते हैं, कहीं भी किसी लड़की को कुछ भी बोल देते हैं, क्या रिएक्शन रहता है इनका, और गुड्डू भैया किस टाइप से लोगों को खुशहाली दिन के बनाए रखते हैं। गाइज मैं आप लोगों को बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हुआ यार। आज मैं घर में टमाटर खाया। अच्छा आप लोग ये बताए, टमाटर खाते हैं घर में? आई लव यू। टमाटर खाने पे भी इतनी खुशी बताते हैं कि वहाँ के जो पब्लिक देख रहे हैं वो भी शर्मा जा रहे हैं कि टमाटर खाने पे गुड्डू भैया का रिएक्शन क्या होता है। अब गुड्डू भैया को आगे दिखाता हूँ, जब उनको कोई बोलता है कि पागल है या ऐसा कुछ है तो क्या बोलते हैं उनके ऊपर, कॉमेडियन के ऊपर कोई भी उनको बोलता है तो उनके ऊपर गुड्डू भैया ने यह रिएक्ट किया। दिखाता हूँ आपको किस टाइप का रिएक्ट किया है। बहुत लोग बुड़बक कहते हैं बुड़बक, तो भाई उनको मैं यही कहना चाहता हूँ। गुड्डू भैया का लाजवाब ही नहीं है, गुड्डू भैया का रिएक्शन तो पूरा अल्टर ही रहता है। अब देखते हैं जब उन्होंने देखा कि फॉरेन से आए हुए हैं गेस्ट, तो फॉरेन के ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं। फॉरेनर जब आए हैं तो फॉरेनर को देख के वो बोलते हैं कि लौंडिया आई है लंदन से, लंदन वाला सॉन्ग चला देते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं किस टाइप का उनका रिएक्शन है, और बोलते हैं आप इतने गोरे कैसे हो। उनका रिएक्शन कुछ अलग ही रहता है, काफी दासो दिखाता हूँ एक लुक वहाँ का आपको। एकदम गोरी गोरी लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे पर नाचेंगे। लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। इतना गोरे कैसे आप, इतना गोरे कैसे हैं? पूरा इंडिया गेट घूम लिया, लेकिन अभी तक एक क्यूट सी परी नहीं दिखी, लेकिन अभी देख दी गई, अभी दिख गई, अभी दिख गई। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। गाइस इतना बड़ा यूट्यूबर यहाँ पे था यार, कहाँ गया यार? आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने नाम इनका गुड्डू, बट काम इनका बड़ा से बड़ा वाला है, अतरी लेवल वाला इनका। इनको मैं छोटा समझ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, कहीं भी जाए कभी भाभी को प्रपोज कर देते हैं, कभी नॉर्मल को प्रपोज कर देते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने मनोज भैया तक को नहीं छोड़ा है, जब मनोज डे उनके यहाँ गए थे तो उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। आगे दिखाऊंगा आपको लास्ट में मनोज भैया को किस टाइप से कहा था उन्होंने। आजकल के लड़के गर्लफ्रेंड नहीं होने पर भी ऐसा जताते हैं कि इससे अगर थोड़ा सा बात भी कर लिया हो तो वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, इस टाइप का रिएक्ट करते हैं। गुड्डू भी अगर किसी से बात करते हो तो क्या रिएक्ट करते हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। गर्लफ्रेंड है नहीं है तो उनका रिएक्शन क्या रहता है। आज गर्लफ्रेंड नहीं है पर कभी सिंगल होने का घमंड नहीं किया मैंने। बोले थे वाइफ ओ
भाई गुड्डू ब्याह का जवाब नहीं है। गुड्डू ब्याह की तरह आपको बनना है तो उस टाइप का अगर इमेजिन करो कि कोई लड़की कहीं बैठी है अनजान में, उनको डायरेक्ट जाके आप बोल सकते हैं कि क्या आप मेरी बहू बनोगी, मेरी माँ की बहू बनोगी, क्या मेरी बीवी बनोगी, आई लव यू, ये सब आप बोल पाएंगे क्या? कॉन्फिडेंस आप में होगा? इमेजिन करके देखिए आप में या कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुड्डू ब्याह ऐसा कि उनमें कहीं भी गए डायरेक्ट एंट्री मार देना है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मेरी माँ की बहू बनोगी। एक आध बार आप ट्राई करके देखिए क्या होता है। बीच सड़क में आपको चप्पल मारेगी लड़की, गांव में तो बिल्कुल मत कीजिएगा, करना है तो सिटी में कीजिएगा। सिटी में क्योंकि ये सब नॉर्मल होता है, गांव में कीजिएगा तो दो थप्पड़ मिलेगा, साथ में भीड़ भी जमा हो जाएगा, ऐसा मार मिलेगा कि जिंदगी में भूल जाओगे कि कभी ऐसा मैं करूँ भी। गुड्डू ब्याह करते हैं तो उनको क्या होता है, चप्पल मारते हैं, लड़की इम्प्रेस होती है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तेरी पुतो मिल गई तो मेरी वाइफ मिल गई, उठाओ उठा के पटकूंगा। प्यार की एक कहानी, मैं कैसा लगा आपके सिस्टर के लिए? आई लव यू, आई लव यू। गा के रख लो टोली सजा के रख, मेरी माँ की बहू। अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरी वाइफ मिल गई। ओ तो मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई। मैं किसी लड़की में जाऊं जो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है? करके उल्टा चशा पहनिए, यहाँ से श्रीलंका दिखेगा। भैया आप लोगों को बता दो, जो गुड्डू भैया गए थे जुहू बीच मुंबई में, जो कि जुहू बीच वहाँ गए थे, तो उनको कैमरा में फोटो खींचने काफी शौक था, बट वो नहीं चाहते थे कि मेरा पैसा वेस्ट हो, तो ऐसा उन्होंने कहा कि कैमरा वाला मजबूर हो गया फोटो खींचाने में। ये दिखाता हूँ मैं क्या कहा उन्होंने कि कैमरा वाला फिर मैं उनको फोटो खींच के दिया। ये है उनका टैलेंट, दिमाग। हाय किसी कैमरे वाले में दम जो मेरा फोटो फिल्म में क्लिक कर सके। हम बना लेंगे ना भाई। अच्छा क्यों रे, चलो भैया क्लिक करो फ्री में, पैसा नहीं देंगे पहले बोल रहे। आयो दिमाग, तो आइए 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 फ्री में फोटो क्लिक करवाइए, फ्री में। कैसा लगा गाइस? अगर आप भी अपने आसपास कहीं टूर पे जाते हैं बढ़िया जगह में और वहाँ कैमरामैन मिलता है और वहाँ पैसा लेता है, तो आप भी कैमरामैन को इस तरह कीजिए जिससे कैमरामैन मजबूर हो जाए और खुश हो जाए आपका फोटो खींचने में। चलिए अब दिखाता हूँ आपको लास्ट वीडियो, जो कि मनोज भैया, मनोज डे, उन्होंने वहाँ पे गया था मनोज भैया के शॉप में और मनोज भैया को भी वहाँ हैरान कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा, उनका भी मजाक उड़ा दिया, मनोज भैया को ट्रोल कर दिया, किस तरह से उन्होंने कहा था मनोज भैया को भी उन्होंने नहीं छोड़ा गुड्डू भैया। ये आपकी साली है कि नहीं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? भैया के साली समस्तीपुर वाली नहीं नहीं है कोई न सही, मेरी वाइफ सबसे छोटी है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा अपनी साली नहीं है, फिर दोस्त वोस्त बहुत दिखाती है ज्योति भाभी, दोस्तों उन सबसे सेटिंग वेटिंग हमारे हो सकता है क्या? दे देंगे 15-20 का नंबर। तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए, वेल डन वेल वेल डन। नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत खराब ब्लॉग ब्लॉग बन रहा है। बाल लगे पहचान के सर जानते हो भैया? मैं बाप रे कितना मीम लगाएगा तुम पर, तोरा भी नहीं लगाऊंगा। जिनको देख करके हम यूट्यूब में आए, मतलब वीडियो बनाना सीखे, वही आज अपने वीडियो में ले रहे भाई। लव यू मनोज भैया। तो ये दुकान पे आकर के काफी देर से वेट कर रहे थे, मुझे पता नहीं कितने गुड्डू आया, ये तो सरप्राइज था, आपने पता करके क्यों नहीं आया? मजा आ गया, वो मरीन ड्राइव वाला मजा आया। अच्छा 2 मिलियन आया बाल के यार, बहुत बहुत खुशी मिली यार मनोज भैया मेरा वीडियो देखते कर। हां सब्सक्राइब चिकन सिंपल है, कहीं भी जाएगा पार्क वर्क में लड़की उड़ के रहेगा सीधे मुंह में मोबाइल होता है। की बोल रहा है भाई, बोला था कि धनबाद जा रहे हैं, प्रपोज करते थे डायरेक्ट आई लव यू डायरेक्ट भाई, जरूरत डायरेक्ट यहीं पहुंच गया बिना बोले। तो गाइस गुड्डू भैया का हमें यहाँ तक वीडियो देखा है, किस तरह से कॉमेडी करते हैं, किस तरह लड़कियों के बीच जाके फ्लर्टिंग करते हैं, तो क्या ये सब परमिशन लेके करते हैं या विदाउट परमिशन के करते हैं या डायरेक्ट चले जाते हैं अजनबी के पास डायरेक्ट करते हैं? एक उन्होंने एक इंटरव्यूअर ने लिया था आदित्य, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसमें बताया गया कि वो किस टाइप के करते हैं।
उनके बारे में थोड़ा सा मैं वहाँ इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से हैं, कौन से एरिया से हैं, क्या उनका फुल नेम है और कैसे उनका बर्ताव है। चलिए आपको ले चलता हूँ, वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ आपको, किस तरह से लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में क्या बताए, अब पूछेंगे वही ना बताएंगे। तो ये बताइए मतलब गुड्डू है, गुड्डू कुमार, और सब लोग जानते हैं गुड्डू ब्लॉग्स के नाम से। कहाँ से हैं आप? हम बिहार मधुबनी जिला। बिहार मधुबनी जिला। तो ये मतलब लड़कियों में फ्लर्टिंग करते हैं, तो कुछ लड़कियां बोलती नहीं है आपको कुछ? जी नहीं, क्यों बोले, हम तो परमिशन लेके वीडियो बनाते हैं। परमिशन लेके बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि मतलब ऐसा इस तरह के वीडियो देखकर चल जाते हैं, कैमरा उठाते हैं, आप नहीं ब्लॉग बनाने चले, आप मार खा जाते हैं। हाँ तो खाएंगे। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी, मतलब बनाया मार खा गए होंगे? क्योंकि हम बिना परमिशन का वीडियो बनाते ही नहीं कभी, ज्यादातर जिसके अगर इधर उधर वीडियो बनाते हैं तो जो क्रिएटर रहते हैं उनके साथ ही बनाते हैं, बाकी क्रिएटर कुछ नहीं बोल सकते। और बोलेंगे, वो बोलेंगे कि भाई ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं हम नहीं आते हैं वीडियो में, तो डिलीट कर देंगे, सिंपल सी बात है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बहु बोले तो वाइफ। पूछना ये था कि मेरी माँ के बहू बनोगी? देख लो भाई, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये हमसे गोरे हैं यार। कैसे चाचू, ये पाउडर का कमाल है। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, हाय पूजा, हवन करोगी? हे गाइस, तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें ताकि उनको यह वीडियो जरूर दिखे, क्योंकि ये काफ़ी कॉमेडी है और गुड्डू भैया के बारे में आदमी लोगों को पता चल सके, साथ ही साथ मेरे बारे में भी लोगों को पता चल सके कि मैं इस तरह का क्लिप वीडियो आप लोगों को देते रहता हूँ, साथ में आप लोगों को हंसाते रहता हूँ। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस करके रखें ताकि सबसे पहले इस तरह का नोटिफिकेशन वीडियो का आपको सबसे प्रथम में मिले और मेरा वीडियो सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।